पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से घिरा हुआ है, जिसमें मनुष्य महज 3-4% हिस्से के बारे में ही जान पाया है। समुद्र की गहराई में कई राज दफन हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता। कई बार हमें ऐसे जीव भी मिल जाते हैं जिसे हमने या तो फिल्मों में देखा होता है या फिर उनके बारे में किसी पौराणिक कथा में सुना होता है। चिली में कुछ मछुआरों के हाथ एक ऐसी ही मछली लगी है। कथित रूप से इस मछली को श्रापित माना जाता है। अब इसके मिलने से लोगों में कुछ बड़ी अनहोनी होने की आशंका सता रही है। खबरों के मुताबिक चिली के समुद्री तटों पर मछुआरों ने इसे पकड़ा है। इसका कद देखकर लोग हैरान रह गए और इसकी तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल हो रही तस्वीर में इस अजीबोगरीब जीव को कई मजदूरों को एक साथ हुक से नीचे उतारते हुए देखा जा सकता है। इसकी लंबाई 16 फीट से ज्यादा बताई जा रही है। सबसे बड़ी ऑर्फिस की बात करें तो विशाल ऑर्फिस रेगलेकस ग्लेशन नाम की है। इसका वर्णन सबसे पहले 1772 में किया गया था, लेकिन इसे शायद ही कभी देखा गया क्योंकि यह काफी गहराई में रहती है। माना जाता है कि विशाल ऑर्फिस लगभग 3300 फीट यानी 1000 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती है। विशालकाय ऑर्फिस मछलियों की सबसे बड़ी हड्डी वाली सबसे लंबी ज्ञात प्रजाति है, जिसकी लंबाई 56 फीट यानी 17 मीटर तक पहुंच जाती है। इसका वजन 600 पाउंड यानी 270 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मछली के चर्चे पौराणिक कथाओं में होते आए हैं। जापान में ऑर्फिस लंबे समय से लोक कथाओं में शामिल रही है। जापान में इसे सी गॉड्स पैलेस के दूत के रूप में माना जाता है, जिसके मुताबिक ये भविष्य को बताने के काम आती है। साथ में ऐसा भी माना जाता है कि अगर यह मछली समुद्र के किनारे में दिखाई देती है तो कोई ना कोई बड़ी अनहोनी जरूर होती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इससे पहले जापान में साल 2011 में यह मछली देखने को मिली थी। इसके बाद से यहाँ फुकुशिमा में तेज भूकंप आया था, जिससे लोगों का मानना है कि यह मछली दिखना मतलब कुछ अनहोनी होने का खतरा जरूर है। चिली में इस मछली के दिखने पर लोग डरे हुए हैं, उन्हें भूकंप या कुछ बड़ी अनहोनी होने का खतरा सता रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि ऑर्फिस समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे पर दिखने का मतलब है कि समुद्र की गहराई में जरूर कोई ना कोई हलचल हो रही है, इसी कारण शायद यह सतह पर आए हैं। ऐसे में यह चिली में कुछ अनहोनी या बड़ी आपदा आने का संकेत जरूर है। इससे पहले 18 अक्टूबर 2013 को भी ओसन साइड कैलिफोर्निया के पास एक समुद्र तट पर 15 मीटर लंबी ऑर्फिस देखी गई थी।